नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, कम दौड़ने पर ही अगर फूल जाती है सांसें, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, कम दौड़ने पर ही अगर फूल जाती है सांसें, फेफड़ों से संबंधित प्रणाली को प्रभावित करने वाली स्थितियों के कारण भी सांस की समस्या होती है। वहीं फेफड़ों और ब्रोंकाइल ट्यूब्स में सूजन होना सांस फूलने के आम कारण होते हैं। दौड़ते हुए सांस चढ़ना एक आम बात है, लेकिन थोड़ा दौड़ने पर ही सांस का फूल जाना यह आम बात नहीं है। दौड़ने से पहले खुद को वार्म अप न करना सांस फूलने का एक मुख्य कारण होता है। साथ ही साथ दौड़ते हुए सही तरीके से सांस न लेना भी सांस चढ़ने का एक कारण हो सकता है। नए धावकों के लिए के अलावा कई अनुभवी धावक भी दौड़ते समय सही सांस लेने के महत्व को नहीं समझते। यदि आप एक लंबी छलांग लगाने में एक से अधिक सांस लेते हैं तो मैराथन में दौड़ने की तो छोड़िए, आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ नहीं पाएंगे। एक बार इसको अपना कर देखें। अगर आप गहरी सांसें नहीं लेते, इसका मतलब है कि आप न सही से ऑक्सीजन ले रहे हैं और न कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इस तरह आप केवल फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेफड़ों के इस ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए कम मात्रा होती है, पर जब आप नियंत्रित और गहरी सांसें लेते हैं, ऐसे में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया सहज होती है। लंबी और गहरी सांसें लेने के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि सांस को छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है जितना सांस को लेना। सांस लेने की प्रक्रिया के साथ साथ आपको सांस छोड़ने की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि आप सांस छोड़ते समय फेफड़े खाली नहीं करेंगे तो उसमें हवा अंदर लेने के लिए जगह कैसे बनेगी, सांसें किस निश्चित आधार पर ली जाएं, इस संदर्भ में हम कोई सलाह नहीं देते हैं, बेशर्ते आप एक छलांग में एक से अधिक सांस न लेते हों। सहज होकर सांस लें और लंबी और गहरी सांस लें। दौड़ते हुए अपनी सांसों पर ध्यान लगाना उतना ही जरूरी होता है जितना कि गति पर। गहरी लंबी सांसें लें और गहरे लंबे श्वास छोड़ें, इससे आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। जैसे जैसे गति तेज होती है, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया भी प्रभावी ढंग से तेज हो जाएगी। गहरे सांस लेने के अभ्यास से आप न सिर्फ सांस उखड़े बिना लंबा दौड़ पाएंगे, बल्कि तेज और प्रभावी ढंग से दौड़ पाएंगे। दौड़ लगाने से पहले के 5 मिनट चलते हुए आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। हमारी सलाह होगी कि आप गहरी लंबी सांस लें, उसे 1 या 2 सेकंड के लिए रोक कर रखें और फिर सांस बाहर छोड़ें। यह अभ्यास करने से आप समझ जाएंगे कि कहीं सही महसूस कर रहे हैं। सांस लेने की सही प्रक्रिया आपकी मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है। लंबी दौड़ में यदि आपने अपने शरीर को अकड़ा रखा है तो आपको जल्दी ही अपने पीठ के ऊपरी और निचले हिस्से के अलावा कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, थकावट और दर्द अनुभव होगा। इन्हीं हिस्सों में अधिक तनाव होने से आप कम गहरी और तेज़ सांसें लेते हैं और तेज़ दौड़ नहीं पाते। तो अगली बार दौड़ने से पहले अपनी सांस को नियंत्रण करना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आपके लिए। कम दौड़ने पर ही अगर फूल जाती है सांसें, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।